देखो बच्चों, सिक्स क्वेश्चन पे क्या लिखा, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर। तो देखो एंगल बी दिया है, एंगल सी दिया है, एंगल क्यू दिया है, एंगल पी दिया है, ठीक है। फिर हमें ए बी दिया है, बी सी दिया है, पी क्यू दिया है, क्यू आर पूछा है, मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल वाला है अपना, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि हम लोग को ये पता चल जाए ना कौन सी साइड का रेशियो लेना होगा हम लोगों को, राइट। देखो ए बी सी और ये कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर। अब देखो बी वाला एंगल कितना दिया है, 48, राइट। सी वाला एंगल कितना दिया है हमको, 60, ठीक है। क्यू में चलते हैं तो 48 दिया है, पी वाला कितना दिया है, 72। अब देखो बच्चों क्लियर है कि ये वाला कितना होगा अपने पास, 60, और इधर कौन सा हो जाएगा अपने पास, 72, ठीक है। ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी दी हम लोगों को, 8। बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी दी हम लोग के सामने, 6। पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हम लोगों के पास, 7.2, राइट। क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू हमसे पूछी गई, तो अपना क्यू आर कहाँ पे, इस जगह पे। तो देखो सेम साइड का रेशियो ले लेते हैं अपने सामने, ठीक है। तो देखो ए बी अपॉन में पी क्यू, राइट, किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन में क्यू आर। अब इसमें सबकी वैल्यू डाल देते हैं। अब ए बी का आंसर कितना दिया अपने पास, 8। बी सी का आंसर कितना दिया अपने पास, 7.2, सॉरी पी क्यू का आंसर कितना दिया, 7.2। बी सी, बी सी का आंसर कितना दिया है, 6। और क्या पूछा है हम लोगों से, क्यू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो देखो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 6, 7.2 अपॉन में 8। ये से कैंसल हो जाएगा, 9 में 6 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा अपने पास, 5.4। तो आंसर अपने पास कौन सा सही है, 5.4।